लोग, आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से लैंग्वेज में वीडियो बनाऊं। प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट करो कि आपको कौन से लैंग्वेज में वीडियो चाहिए, लाइक हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, दोनों में भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसका एक पार्ट बनाऊँगी हिंदी का और इंग्लिश का एक पार्ट बनाऊँगी। ओके, सो अभी मैं हिंदी में ही बनाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया कि उनको चाहिए था, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनको चाहिए था कि रेज़र पे पेमेंट गेटवे पाइथन में और प्लास फ्रेमवर्क यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, वो उनका क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं। अभी मैं बना रही हूँ सिंपल वीडियो कि सिंपल हम प्लास फ्रेमवर्क यूज़ करके कैसे पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, अब पाइथन में, लाइक पाइथन कोडिंग यूज़ करके, तो मैं उसका वीडियो बना रही हूँ जो वेरी सिंपल है, बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको फॉलो करने थोड़े स्टेप्स मैं वो बोलती हूँ। पहले पहले तो आपको फ्लास्क इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके पीसी, आपके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। लाइक आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है तो मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए पाइथन रेजर पे करके मेरा एक फोल्डर है, उसमें मैं कर रही हूँ। तो आपका जो कोई फोल्डर रहेगा वहाँ पे जाके आपको पहले इंस्टॉल करना है कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क करके। ओके, बाद में पिप इंस्टॉल रेजर पे 0.3.0। आप ट्राई करो कि लेटेस्ट कौन सा रेजर पे है वो देखो पहले। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ रेजर पे वर्जन पाइथन ये डालो, फिर हमको मिलेगा कौन सा, तो वर्जन लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो आप ट्राई करो कि लेटेस्ट वर्जन रहने के लिए 3 पॉइंट समथिंग कुछ तो लेटेस्ट है ना, 3 पॉइंट एंड अबो, तो ए वर्जन लेके आप यहाँ पे इंस्टॉल करो। ओके, वो वर्जन लेके इंस्टॉल करो, मतलब हमारे रेजर पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे हमारे टेम्पलेट ऐप डॉट एच टी एम एल फाइल रहती है, जहाँ पे हमारा एच टी एम एल कोड रहता है, वहाँ पे हमको एक की इंसर्ट करनी पड़ती है जो रेजर पे की रहती है। और हमारे जो ऐप फाइल रहती है वहाँ पे हमको ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट, मतलब हमारा रेजर पे का जो ऐप आईडी रहती है और जो ऐप सीक्रेट की रहती है उसको हमको वहाँ पे एंटर करना पड़ता है। ओके, तो पहले आप मतलब वीडियो बनाने से पहले और इंटीग्रेट करने से पहले पहले स्टेप्स फॉलो करो। ओके, उसके बाद ही अब देखो, पहले तो ये स्टेप को फॉलो करना है। बाद में मैंने आपको दिखाया था कि कल एक डॉक्यूमेंटेशन है रेसिपी का। ओके, जहाँ से हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत डेटा ले रहे हैं जो चाहिए हमको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जाके पढ़ो क्या क्या है करके। अब रेजर पे डॉक्स करके डाले तो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐप टाइटल रहेगा, ऐप वर्जन है यहाँ पे, बाद में हमें यूज़ कर रहे हैं कि यूज़र आईडी और सीक्रेट की क्या है हमको, वो हमको डालना है। ओके, ये तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। आप यहाँ पे जाके प्लीज़ रीड कर लो कि हैंडल कैसे, फंक्शन को कैसे हैंडल करने का, देन कॉल बैक यूआरएल कैसे कॉल करने का, वो सब कुछ देखो थोड़ा बहुत। ओके, यहाँ पे पेमेंट फेल्योर का यहाँ पे बोला है जो स्क्रिप्ट में है, जावा स्क्रिप्ट में है, तो आप थोड़ा पढ़ो इसके बारे में। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल बना रही हूँ कि सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि स्टार्टिंग को सिंपल रहना चाहिए, बाद में थोड़ा हाई ये तो भी चलता है, तो पहले ही हाई बोले तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सिंपल ही हम वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा रेज़र पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन पाइथन क्लास के, ये हमने ऐसे डिज़ाइन बनाया, आपको जैसे चाहिए आप डिज़ाइन करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया यहाँ पे ऐप डॉट, क्योंकि ये हमारे एचटीएमएल फाइल है, यहाँ पे हमको जो कुछ भी एचटीएमएल का करना रहता है वो इस फाइल में करना रहता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी करो, कलर मैंने ब्लू दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ गए हो तुम। हाँ, यहाँ पे देखो कलर ब्लू है, चाहे तो मैं कलर चेंज भी कर सकती हूँ, कौन सा कलर ले लूँ, ग्रीन ये पिंक। ओके, पिंक लेते हो, देखेंगे। तो कुछ भी आप चेंज करें तो यहाँ पे रिस्टार्ट करो पहले, लाइक स्टार्ट करो आपके सर्वर को, बाद में आप यहाँ पे जाके उसको जस्ट रिफ्रेश करो। देखो यहाँ पे चेंज हो गया कलर। ओके, तो ऐसे आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके,
तो ये हो गया मतलब पेज डिज़ाइन का मैं बोल रही हूँ कि मैं सिंपल बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज वगैरह कुछ डिज़ाइन नहीं किया है। आपको जैसा चाहिए आपको प्रोजेक्ट को वैसे आप डिज़ाइन करके ले लो। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो ऐप डॉट पाई फाइल रहता है। यहाँ पे सब हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइक फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट कहाँ पर रेंडरिंग कर रहे हैं रिक्वेस्ट वो सब कुछ। तो फ्लास्क की हमको मेन क्या चाहिए, हमको ऐप चाहिए, आईडी चाहिए और ऐप सीक्रेट चाहिए। ओके, जो हमारा रेसिपी जो हमारा अकाउंट रहता है वहाँ पे हमको जो आईडी मिलती है और जो सीक्रेट की मिलती है वो हमको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। ओके, बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा राउट है जिसको हम कॉल करते हैं। बाद में आप देखिए ऐप अंडर स्कोर क्रिएट रेंडो अंडर स्कोर टेम्पलेट ऐप डॉट एच टी एम एल, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम रेंडरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम जा रहे हैं। ओके, तो कहाँ पे है ऐप डॉट एच टी एम एल, तो ऐप डॉट एच टी एम एल फाइल हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब कुछ देखिए आप एच टी एम एल का है। बाद में हमारे यहाँ पे एक्शन हो रही है, तो ये हमको इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको लारावेल में बोला था कि चेकआउट हमको फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है रेज़ में। बाद में की है हमारी, बाद में अमाउंट कितना, अमाउंट 100 मतलब 1 रुपये है, 1000 मतलब 10 रुपये, बिकॉज 1 × 100 इज इक्वल टू 1 रुपये ऐसा रहता है रेज़ में। ओके, तो मैंने नाम दिया हमारे कंपनी का, इसका डिस्क्रिप्शन आप चाहे दे दो, एक इमेज ले लो, मतलब आपको जैसे चाहे वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। मेरा नाम लिखा है मैंने, हमारे कंपनी का ईमेल लिखा है, नंबर डाला है, शॉपिंग ऑर्डर आईडी, जब हमको ऑर्डर आईडी वहाँ पे दिखेगी यूआरएल में, वो दिखना नहीं चाहिए तो भी हम पोस्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं और रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, हिडन टेक्स्ट अलायंस सेंटर शॉपिंग आईडी 21। तो ऐसे स्क्रिप्ट में हमने रेज़पे का और इंटीग्रेशन का लिखा है। ओके, तो मेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ऐप फाइल और ऐप डॉट एच टी एम एल फाइल। ओके, और बिफोर दैट ये इंस्टॉल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बिग फ्लास्क। आई होप आप लोगों को सबको दिख रहा होगा मैं जो यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओके, तो ये सब कुछ हो गया, ऐप फाइल हो गई, इमेज चाहिए तो इमेज आप सेव करो और इस इमेज को आप यहाँ पे लगा सकते हो इन्फिस के डॉट पीएनजी, तो इमेज लेगा वो यहाँ पे हमारे स्टैटिक में पीएनजी, तो यहाँ पे वो लगा देगा। ओके, तो उसके बाद आप हमको क्या करना है, हम ये सब कुछ निकालती हूँ मैं अभी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो। ओके, यहाँ पे आते हैं और हम क्या करेंगे, हम एक पेमेंट करके देखते हैं कि कैसे वर्क होता है। ओके, तो ये हमारा यू आर एल। ओके, पहले मैं उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे सी यूजर्स और दूसरा दे यहाँ पे पाइथन एंड इसको रही सके। ओके, ये कहाँ पे है, तो हमारे यूजर फाइल रहती है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं दिस में यूजर्स में संतोष, यहाँ पे हमारे वो फाइल है। ओके, और यहाँ पे हमारी फाइल है जहाँ पे हमारा पूरा डेटा है। सेम हमको पाथ यहाँ पे देना है, सेम हमको ये पाथ यहाँ पे देना है। और यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो हमारी फाइल है ऐप फाइल उसको हमको कॉल करना है। तो उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, पाइथन ऐप डॉट पाई करके। ओके, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको रनिंग ऑन HTTP, इस हमारा सर्वर है लोकल सर्वर। ओके, यहाँ पे कंट्रोल सी लिखा टू क्विट करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको कॉपी करो इस सर्वर को और यहाँ पे पेस्ट करो जो मैं यहाँ पेस्ट किया है, सॉरी एवरीवन। ओके, यहाँ पे पेस्ट किया है मैंने और अभी मैं रन करके आपको दिखाऊंगी। और आपको इससे कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, हम उसका 100% आंसर देंगे, क्योंकि हम हमारे जो सब्सक्राइबर है उन उनसे ही क्वेश्चन लेके, मतलब उनको डिफ़िकल्टी ना हो करके उसके ऊपर सॉल्यूशन बनाते, तो ये भी हमारे सब्सक्राइबर का ही क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना हो करो, तो यहाँ पे हमारा रेसिपी का सब कुछ ओपन, जो हमारा इनपिस का है, मतलब जो हमने यहाँ पे कोड, हमारा कोड कहाँ पे गया, यहाँ पे इनपिस का जो है ना वो इनपिस का यहाँ पे आ रहा है। बाद में यहाँ पे हमने लोगो लिया है, वो लोगो भी यहाँ पे आ रहा है, जो कलर थीम है वो कलर थीम भी यहाँ पे आ रही है। ओके, तो मैं अभी नेट बैंकिंग, क्योंकि टेस्ट मेरा टेस्ट मोड, इसलिए मैं क्या करूँगी कि नेट बैंकिंग यूज़ करूँगी जो ईजी होगा मुझे। बाद में पे नाउ करने का यहाँ पे, बाद में प्रिंट
पेमेंट सक्सेस करो या फेलियर करो, कि मैं सक्सेस करके दिखाती हूँ पहले, तो मैंने सक्सेस किया तो पेमेंट सक्सेस हो रहा है, और ये 4 सेकेंड में रीडायरेक्ट, यहाँ पे हमको आईडी भी मिल जाएगी पेमेंट आईडी, और मेन पेज को क्या होता है रीडायरेक्ट होता है, क्योंकि अब फेलियर हुआ तो क्या होगा, वो फिर से रीट्राई दिखाएगा आपको, समझो मैं आपको एक फेलियर करके दिखाऊंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेलियर के। हाँ तो यहाँ पे ट्राई अगेन करके फिर से आप लोग क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो वीडियो लंबा हो रहा है, आई होप, मुझे लगता है कि इस वीडियो में मतलब बेसिक जो आपको चाहिए वो आपको समझ में आया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं स्टेप्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में ये कैसे इंस्टॉल करने का, और पॉसिबल रहा तो मैं कोड भी गूगल ड्राइव को लिंक करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके विजिट करो और देखो ये वीडियो। और यहाँ इस वीडियो में आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, समझो आप कौन सा एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, हम उसका क्या करेंगे आंसर देंगे, नहीं तो वीडियो तो बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लाइक करोगे करोगे शेयर करोगे तो क्या होता है, हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इनको पसंद आ रहा है, ऐसे हमको पता चलता है, और हम भी क्या करते हैं कि बहुत वीडियो बनाएंगे। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।